हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 6:35। देखिए सनसेट अभी तक नहीं हुई है। के बालकनी में खड़ी हूँ। ये बालकनी से मैं फर्स्ट टाइम शायद आप लोग को यू नो लाइक आप लोग के सामने हूँ। मैं बहुत बार बालकनी गार्डन दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, इवनिंग का नज़ारा दिखाया, बट कभी भी मेरा वीडियो में यहाँ से स्टार्ट नहीं किया। तो आज सोचा कि क्यों यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। सो कर लिया। कैसे लग रहा है देखिए, ब्यूटिफुल। आप इतना सुंदर हवा दे रहे तो यहाँ पर खड़े होके ब्लॉग करने का एक अलग सा मजा है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा हाई है, इसलिए आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बहुत सुंदर एक जगह है। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ। और ये मेरा फेवरेट जगह है। ये टाइम में तो मैं यहाँ पे 10-15 मिनट खड़ी रहती हूँ, देखती हूँ। ऐसे बहुत अच्छा लगता है दूर दूर तक देखने के लिए। सो मज़ा आ जाता है। तो ये बालकनी से ना मैंने कुछ दिन पहले जब हनी का तबीयत सही नहीं था तो तब मैंने वो सब प्लांट्स जितना था इसको उठा दी थी, क्योंकि हनी यहाँ पे आके पी करती थी एंड यहाँ इसको क्लीन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो अभी आप लोगों को पता है हनी इज़ नो मोर। सो ये बालकनी मुझे लगा, यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन भी रखा गया है, बट ये बालकनी मुझे ना खाली खाली लग रहा था। ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड बालकनी है। सो मास्टर बेडरूम में जब हम लोग बैठते हैं ना, ग्लास के थ्रू कोई ग्रीनरी दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है क्लियर ग्लास के थ्रू आप जब ग्रीनरी देख पाते हो। तो मैंने आज कुछ पौधे इसके लिए ख़रीदी। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा पिंक कलर का बोगन मिला है उसको ख़रीदी थी। अभी उससे ना बहुत सारा फूल मैंने यू नो नीचे पड़ जा रहा है। सो पता नहीं क्यों, शायद ये सब पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद नया फूल आएगा। तो उसके साथ साथ छोटे छोटे पौधे मैंने कुछ ख़रीदी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या ख़रीदी बालकनी में, और अच्छा लग रहा है। सो यही है। चलिए अभी दियाबाती करते हैं, करके किचन में जाते हैं। आज शुभम के लिए चिकन मैंने चिकन टिक्का देन सॉटे वेजिटेबल एंड मास्ट पोटैटो बनाऊंगी। हो सकता है तो पूरा डिटेल्स में दे पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी जरूर। फ्रेंड्स, कल में ब्लॉग को और आगे नहीं बढ़ा पाई। आज नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए ट्रफल के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, मज़े लेते हैं ट्रफल के साथ खेलने का, उसके बाद घर का काम स्टार्ट करेंगे। ट्रफल व्हाट हैपेंड? ये ट्रफल तो सोना बच्चा था, सोना बेबी, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। फ्रेंड्स, अभी लंच का टाइम हो गया है। आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे सोनू बना रहे हैं सॉटे वेजिटेबल्स। आज एक सुंदर सा प्लाटर में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सॉटे वेजिटेबल में हमारे कैरेट, ब्रोकली, बीन्स, कॉर्न एंड फ्रोजन पीस। अभी बनाएंगे मास्ट पोटैटो। मास्ट पोटैटो के लिए दो पोटैटो को ग्रेट करके, बॉइल्ड पोटैटो को ग्रेट करके मैंने रखी थी। थोड़ा सा बटर लिया, बटर में पोटैटो को डाल दीजिए। डाल के उसको थोड़ी देर भुनेंगे, 2-3 मिनट्स भुनेंगे। उसके बाद उसमें बॉयल करके ठंडा हुआ मिल्क जो है ना उसको डालेंगे। दो पोटैटो के लिए मैं डाली हूँ 1/2 कप मिल्क। मुझे थोड़ा कम लगा इसलिए मैंने और थोड़ा उसमें डाल दी हूँ। और उसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर पाउडर, उसको डाल के अच्छा से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो मास्ट पोटैटो है ये खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है एंड उसको बनाने का तरीका भी कोई इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। इसको बनाओगे और साइड में सॉटे वेजिटेबल, मास्ट पोटैटो, और उसके बाद मैं चिकन का एक प्रिपरेशन साइड में रखूँगी जो लगभग चिकन टिक्का की तरह है। वो एक प्लेटर बन जाएगा, उसको आप लंच या डिनर जिसमें भी खाए बहुत अच्छा लगेगा।
हमारा सॉटे वेजिटेबल एंड मास्ट पोटैटो रेडी हो गया। अभी बनाएंगे चिकन। चिकन के लिए मैं ले हूँ एक पैन और उसमें डाली हूँ थोड़ा सा ऑयल। चिकन को मैं पहले से मैरिनेट करके रखी थी। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, चिली पाउडर, लेमन जूस, थोड़ा सा कसूरी मेथी एंड ये चिली पाउडर एंड चिकन मसाला, इसको डाल के मैरिनेट करके रखी हूँ आधा घंटा से 45 मिनट। वो अच्छे से मैरिनेट हो जाता है, वही टाइम में टेंडर भी हो जाता है। अभी हम लोग को इसको जो पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको कवर करके, लीड को कवर करके कुक करना है। ये आप ना अपने आप खाने के लिए इतना मज़ेदार होता है कि इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, तंदूरी रोटी, लाचा पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो। बट मैंने इसका एक हेल्दी वर्सन बना रही हूँ जिसमें वेजिटेबल्स है, जिसमें का मास्ट पोटेटो कार्बोहाइड्रेट है एंड चिकन में प्रोटीन तो है ही। सो इसको इसमें हम लोग बनाएंगे कवर कर करके, देखेंगे चिकन एकदम टेंडर हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें मैंने लेमन जूस डाला तो इसलिए ये पूरा बहुत अच्छा से सॉफ्ट हो जाता है। लेमन जूस के जगह में आप थोड़ा सा कर्ड भी ऐड कर सकते हो मैरिनेशन के टाइम में। ये मैरिनेट करने के टाइम थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल है उसको यूज़ करना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी देखिए मेरा चिकन लगभग रेडी है। मैंने उसको कोई डीप फ्राई नहीं किया, ओटीजी भी यूज़ नहीं किया। वो नॉर्मल गैस चूल्हा के ऊपर आप बहुत अच्छा चिकन का ये डिश बना सकते हो। अब ये रेडी हो गया, इसको थोड़ा सा चार्ड करना चाहते हो तो चार्ड कर सकते हो। गर्मा गर्म चिकन तैयार हो गया। अभी देखिए मेरा प्लेटर, इसमें है चिकन, मास्ट पोटैटो एंड सॉटे वेजिटेबल, पूरा प्लेटर रेडी है। फ्रेंड्स अभी इवनिंग का टाइम है, आप लोगों को मेरा सुंदर सा सेट किया हुआ एक छोटा सा बालकनी गार्डन दिखा रही हूँ। हाँ, ये मेरा दूसरा बालकनी है जो हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है। इसमें से मैंने सब प्लांट निकाल दी थी बट बालकनी ऐसा खाली खाली लग रहा था। थोड़ा सा ग्रीनरी मुझे हर जगह में चाहिए घर का, इसलिए इसको इतने सारे प्लांट्स मैंने ख़रीदा और इसमें लगाया। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके क्या क्या रखी हूँ पॉट में दिखाती हूँ। ये जो 10 प्लांटर यहाँ पे है उसमें पौधा मैंने कल ही लाई नर्सरी से। ये एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर है जो दिन में खुल जाता है और रात होने से वो बंद हो जाता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छोटा है बट देखने के लिए बहुत सुंदर है। ये नेक्स्ट प्लांटर जो है ये जेड प्लांट है। मैंने 2 जेड प्लांट खरीदी, एक मैंने यहीं बालकोनी पर रखा और एक मैंने घर में लिविंग रूम रखी हूँ। सो ये जेड प्लांट जो है मेरे पास पहले था, अभी नहीं था, तो इसलिए इसको मेरा गार्डन में, बालकनी गार्डन में मैं ऐड की हूँ। ये है जो पिंक कलर का फ्लावर है, ये पिटूनिया। आप लोग सोचेंगे दीदी पिटूनिया का जो सीजन था अभी ख़त्म होने वाला है। हाँ सही है, बट मुझे लगा कि ये इतना सुंदर कलर तो मेरे बालकनी में होना चाहिए। जितना दिन रहेगा रहेगा, दोबारा फूल आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये है सिंगोनिया। ये प्लांट मेरे पास है, उसको मैंने वाटर प्रोपागेशन करके रखी हूँ बट मिट्टी में मैंने इसको लगाया। 2 सिंगोनियम प्लांट मैंने लिया, एक इधर है और एक इधर रखा हुआ है। सो ये दोनों प्लांट को मेरा बालकनी गार्डन में मैंने ऐड की हूँ। देखते हैं कितना बड़ा होता है। खाली प्लांट लगाने से तो नहीं होता, उसका केयर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं जितना अच्छे से उसका केयर ले पाऊँगी वो उतना सुंदर होगा। सो ये मेरा एक हॉबी है, आप लोगों को पता है मैं बहुत टाइम एक्चुअली प्लांट्स के साथ बिताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रेड कलर का जो फ्लावर है इसका नाम मुझे नहीं पता बट मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये कलर भी बहुत सूदिंग कलर है, एक ब्यूटीफुल सा ब्राइट कलर है। सो ये उसको मैंने बालकनी गार्डन में ऐड की। सो ये कितना दिन रहेगा, कितना फ्लावर्स देगा मुझे नहीं पता। उसके बाद और एक फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर रखी हूँ ऑफ वाइट कलर का, और ये प्लांट तो आप लोगों को पहले दिखाई थी। इसमें से बहुत सारे फ्लावर्स अभी बोगनविला यहाँ से चला गया है। हवा, ये बालकनी में बहुत ज़्यादा होता है तो हवा में उड़ जाती है जब फूल थोड़ा सा पुराना हो जाता है। सो इसके बाद ये है वही सिंगोनिया या सिंगोनियम प्लांट, एक उधर रखा था एक इधर है। बाकी 3 पॉट में मैंने यहाँ पर डाली हूँ स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट मेरा बहुत फेवरेट है। सो मेरे पास पहले था, अभी नहीं है, इसलिए मैंने इसको रखा। यहाँ पे एक स्नेक प्लांट रखी हूँ और स्नेक प्लांट के पास 2 छोटे छोटे सुंदर सा प्लांट है येलो कलर का, देखिए
सो ये है मेरा पूरा बालकनी का जो जितने सारे प्लांट्स मैंने खरीदी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को एक लुक दिखा देती हूँ मेरा छोटा सा बालकनी का। इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हाफ बालकनी तक ग्रास कारपेट रखूँगी सो दैट अच्छा लगेगा। सो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बालकनी में हमारा हवा बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर प्लांट रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। सो आप लोगों को मेरा ये सुंदर सा सेट किया हुआ बालकनी गार्डन कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी टाइम हुआ है 9:30, डिनर ओवर। आज तीनों के लिए तीन टाइप का डिनर बना। सो वेज डे है, मंगलवार है, सो मैंने तो वेजिटेबल स्ट्यू ही लिया। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई और लाइफ भी थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है। आप लोगों को सबको पता है कि मैंने उड़िया चैनल भी और एक बार रिज्यूम किया, मतलब वीकली दो वीडियो देने के लिए कोशिश की। उसके बीच में थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं था जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोली, तो आज भी 100% मैं सही नहीं हूँ, एकदम फिट एंड फाइन नहीं हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, गैप हो जा रहा है तो वीडियो मुझे देना ही है। तो वही है हालत, और घर में थी, बहुत सारा काम था, उसके पर्सनल काम भी था और घर का काम भी था, सबके बीच में हम लोगों को तो बैलेंस से करना पड़ता है। हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। ये जो वीडियो में देखे आप लोग के लिए जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसको मैं आईफोन में करती हूँ 10XR में। सो यहाँ पे आप लोग मुझे पूछे थे कि मैं कौन सा ये यूज करती हूँ, सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए, मैं iMovie यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग जो आईफोन में शूट करते हैं वो iMovie में ही उनका एडिटिंग करते हैं, सो मैं भी ही करती हूँ। इसमें फ़ोन में ही एडिट करती हूँ और फ़ोन में शूट करके वहीं पे एडिट करके मैं पब्लिश कर देती हूँ। यही है मेरा, ये बहुत कुछ तामझाम नहीं है। वीडियो भी नॉर्मल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आईफोन का लेने से और ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरा तो मन है लेने के लिए बट अभी नहीं, फ्यूचर में डेफिनेटली लूँगी। और वो है, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ लाइफ में पर लास्ट 1 वीक में, ऐसे ही नॉर्मल सा लाइफ चला। और आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा काम चालू किया, अभी आप लोगों के लिए नहीं शेयर करती हूँ, जब हो जाएगा थोड़ा सा प्रोसेस करेगा तब आप लोग के लिए डेफिनेटली शेयर करूँगी। और कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किए थे, सॉरी मैसेज किए थे मेरा ज्वेलरी कलेक्शन के लिए। ज्वेलरी कलेक्शन ऑलरेडी मेरे चैनल में है, आप लोग मेरे चैनल सविता क्रिएटिविटी चैनल में जाके माई गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, माई कस्टमाइज ज्वेलरी कलेक्शन कुछ भी टाइप करोगे तो वो ब्लॉग आ जाएगा। आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलरेडी है। अभी मैं जो ज्वेलरी कुछ ना कुछ तो ऐड करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, आपको वो सब देखनी है तो मैं और एक बाद में वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। और आप लोगों को जैसे पता है मैं बहुत लाइट ज्वेलरी खरीदती हूँ, उसको पहनना पसंद करती हूँ। सच बोले तो वो जो हैवी ज्वेलरी है वो मेरे ऊपर जस्ता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, और मुझे ट्रेंडी ज्वेलरी ऐसे ही पसंद है। एंड मैं बहुत सिंपल ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ, मैं हैवी ज्वेलरी ये भी नहीं पहनती। मैरिज और ऐसा कोई मैंने फंक्शन होता है भी तो मैं जितना ज़रूरत है उतना पहनना पसंद करती हूँ। हर किसी का चॉइस अलग होता है, हर किसी का खुद को सजाने संवरने का ढंग अलग होती है। सो मेरा वही है, मैं कम मेकअप करती हूँ, कम ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ, सिंपल रहना चाहती हूँ, सिंपलिसिटी मेरा ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है सब चीज़ों में, खाने पीने में भी है और पहनने में भी है और लाइफ लीड करने में भी है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम। चलिए आज का वीडियो को और ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेरे पास भी और एनर्जी बचा नहीं है ज़्यादा कुछ बोलने के लिए आप लोगों को। सो आशा करती हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मेरा जो रेसिपी मैं आज शेयर की उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आप लोग डिनर में लंच में उसको करके उसका यू नो लाइक उसको एंजॉय कर सकते हैं, मैं आपको गारंटी देकर बोलती हूँ बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। नॉटी बॉय रखू।
What did you eat? What did you eat? Prabhu Bachcha, what did you eat? Did you eat anything? Show me your fish.